तो कहानी शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम में से 66% लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ 35% ने ही बेल आइकन दबाया है। तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो ताकि वीडियोस के अपडेट्स भी तुम्हें जल्दी मिल जाए, वरना बैठे रहोगे ये सोचते सोचते कि अगली वीडियो कब आने वाली है। क्यों हिला डाला ना? सूत्रों से पता चला है हर जगह भीड़ जमा, लोगों में नाराजगी और गुस्से का माहौल देखा जा रहा। बताया जा रहा है पुलिस ने किया हमारे थलाइवा को अरेस्ट। क्या उन्होंने खून किया है? नहीं। सेक्स पिक्चर बना के नेट पे डाली है? नहीं। क्या चैनल का पासवर्ड चेंज कर दिया और अपने दोस्तों को कभी पासवर्ड ही नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने देश की सेवा की है और देश की सेवा करने वालों को एक ही सजा मिलती है, जेल। पब्लिक हंसेगा हम लोग पे भाई। तो कहानी शुरू होती है हमारे थलाइवा रजनीकांत से, because there's nothing he can't do। आथू जो अभी अभी अमेरिका से वापस आए हैं और एयरपोर्ट पे रिसीव करने मम्मी पापा और मामा अलोंग विद हॉट मॉडल्स आए हैं। अरे वाह, मामा कह के मैं मामा से मामा दलाल बन गया शिवाजी। अच्छा फॉर मैरिज पर्पस, पर सांस तो लेने दो, अभी अभी तो लैंड किया है, आई मीन प्लेन। हाय आई एम विभूति। चाचा गलत हो रहा है। तो हमारा थलाइवा अमेरिका रिटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर आज भी देश में गरीबी देख के दुखी है। सब थोड़े पैसे दो तो सब। नहीं चाहिए जी। सिंसियरली 2000 के इंजीनियर है, तो तब इंजीनियर्स की इज्जत भी थी और उनका एनुअल पैकेज भी अच्छा था, तो ये 200 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुके हैं और वो भी डॉलर्स में। बहुत पैसा है मेरे पास। और अब तो PFC, TVT, STT कार्ड पीट के हाथ में सिर्फ 15,000 आते हैं। पर इतना पैसा कमाने का एक ही मकसद है, देश से गरीबी मिटानी है और देश की सेवा करनी है, माइंड इट। हाँ वही स्वदेश वाला मोटिव बट विद सम रजनी एक्शन। तो शाम को एक व्हाइट कॉलर पार्टी होती है जिसमें सारे बड़े बड़े नेता, अभिनेता, स्ट्रगलिंग अभिनेता आते हैं, पर तभी इन सब का पाप आता है, मूवी का वन एंड ओनली विलन आदि शेषन। हेलो, हाउ डू यू डू? स्टेट की कई शिक्षा संस्थाएं, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज के मालिक, सरकार इनके इशारे पर नाचती है। दैट्स राइट बिच। तो अपने थलाइवा टोस्ट करके बोलते हैं, यन्ना रास्कला, अकॉर्डिंग टू रजनीज लॉ ऑफ स्लो मोशन, इंडियाज गरीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडियाज लिटरेसी, तो मैं गरीबी हटाने के लिए फ्री कॉलेजेस बनाऊंगा, फ्री इंस्टीट्यूट्स बनाऊंगा, फ्री हॉस्पिटल्स बनाऊंगा। क्यों हिला डाला ना? माइंड इट। पर आदि शेषन के चेहरे पे नहीं है खुशी। तो अगले दिन थलाइवा को ऑफिस में बुला के बोलता है, पाजी तुझसे ठीक गल नहीं कर रहे हो, देखो जी देश की सेवा में घंटा कुछ रखा है, आप मॉल शॉल बनाओ। हाँ जी, ना आप हमारे धंधे में घुसो ना हम आपके में घुसेंगे। तो थलाइवा इज लाइक, रास्कला, देयर इज नथिंग दैट रजनी कांट डू, आथू माइंड इट। तो थलाइवा और मामा चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास और फ्री कॉलेजेस, फ्री हॉस्पिटल सुन के गवर्नमेंट भी रेडी, पर मिनिस्टर को कुर्सी गर्म करनी है तो खड़ा कर देता है अपने पीए को आगे, एंड पीए इज लाइक, बाकी बातें पीने। तो सर अप्रूवल के लिए साइन चाहिए, सिर्फ एक आदमी के नहीं, कुल मिलाकर 560 लोगों के दस्तखत लेने पड़ेंगे। तो चार खोका रेडी कर लो, काम हो जाएगा। किस लिए दूं मैं पैसा, किस लिए दूं मैं रिश्वत सबको? अबे साले। तो अभी तो बहुत टाइम है, चलो चलो थलाइवा मंदिर चलते हैं, बिकॉज हमारे एनआरए थलाइवा को एक साधारण सुंदर शरीफ सुशील सी हाउस वाइफ चाहिए। हम तो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो वो कहाँ मिलेगी? मंदिर आ जा, इन्हें दिखी श्रिया शरणा। अरे थलाइवा और मामा दोनों से स्टॉक करने लगे ना। सुपर ला। वेल ये गायब हो गई, पर जो मेन काम है उस पे फोकस करते हैं ना। तो अब सब जगह से रिजेक्ट होना शुरू। इसका पावर तो सेंटर के पास है। देश कहाँ है? देश कहाँ है? देश कहाँ है? थलाइवा कोई फायदा नहीं है, बिना पैसे खिलाए यहाँ कोई काम नहीं हो सकता, तो इस पीए को बुला के सबको पैसे देना शुरू कर। कहा था ना पलट कर मेरे पास ही आना पड़ेगा। शिट। पर वेल प्रोजेक्ट शुरू, तो अब चमड़ीगिरी भी शुरू। तो ये दोनों श्रिया के घर वोटर आईडी वाले बन के उसका फैमिली बैकग्राउंड देखने पहुंच जाते हैं। ही 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 ही, अपना नाम बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है, खाना वाना बना लेती हो ना, घर के काम आते हैं? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन LGBTQ मैरिज लीगलाइजेशन इन इंडिया? आई डोंट नो। तो इसके बाप को होता है थलाइवा पे सस, तो ये पुलिस को बुला लेते हैं और इनको हो जाती है जेल। पर वेल NRI रिटर्न है तो हो जाती है बेल। मजाक है क्या? और घर वालों को पता चलता है कि थलाइवा को लड़की पसंद है, तो ये वहीं जेल में रिश्ता फिक्स करना शुरू। बेटी बच्चा हुआ तो उसे अपना दूध पिलाओगी ना? अरे क्या हो क्या रहा है, ये थलाइवा का रिश्ता है, सब चलता है। That's not how any of this works. पर आदि शेषन खुश नहीं है मुफ्त देश सेवा प्रोजेक्ट से, क्योंकि भाई साहब का धंधा भी तो बंद हो जाएगा ना। तो विल गुंडे भिजवाओ बे। बजा दे उसकी।
हाँ बजा डालो। वहाँ अपना थलाइवा चमड़ी मैटर में बिजी है कि तभी गुंडे आ जाते तो ही इज लाइक स्विश स्विश होल्ड माई फ्लूट। तो ये अभी भी नहीं हुई इम्प्रेस। ठीक है तो घर चलते हैं पूरी फैमिली के साथ। कितने हम्बल हैं अपने थलाइवा। फोन करके पुलिस को बुलाइए। पर श्रिया की फैमिली है बड़ी रूड। अबे घर में जबरदस्ती तो घुसे हैं, क्या ही गलत कर दिया। तो अब आप हमारे घर आके हमारा पैसा पावर और प्यार देखो। ओके बाई। वहाँ इनके फ्री हॉस्पिटल के होने वाले डीन इज लाइक थलाइवा आपको CPR के बारे में बताता हूँ। अरे लाइव एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्चा बिजली के झटके से मर गया है। अब इसकी छाती पीट के फिर इसके मुंह में हवा भर के इसको जिंदा कर दिया मैंने। आप भी इसे याद रखना, काम आएगा। कूल डॉक्टर। अगले दिन ये श्रिया की फैमिली थलाइवा के घर आती है और पूरी फैमिली थलाइवा का घर पैसा और मुफ्त का बूफे देख के खुश। आपने बोला था ना कछुए के बच्चे का कटलेट। सेफ द मदर टर्टल्स। और थलाइवा इज लाइक ऐ रस्कला स्विश स्विश ये देख मैं क्रीपी नहीं केयरिंग हूँ, इसलिए अपनी शादी से लेके बच्चों तक की प्लानिंग कर ली थी मैंने, वो भी अगले 3 साल तक की। आर यू क्रेजी। एनीवे आई एम रिच तो शादी पक्की। हाँ पक्की। यन्ना रस्कला माइंड इट। थलाइवा की जय हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरी की पूरी फैमिली गोल्ड डिगर है। वहाँ आदि शेषन ने मंत्री की हेल्प से प्रोजेक्ट बंद करवाने की कोशिश तो की, बट हरामी मंत्री हमारे थलाइवा का फ्री सेवा प्रोजेक्ट बंद नहीं करवाने के लिए 50 करोड़ मांगता है। इतना सारा पैसा। तो देश सेवा के लिए थलाइवा अपना घर जायदाद माँ मामा बाप सब गिरवी रख देते हैं। सर अब पॉलिटिक्स में आ जाओ ना। डैम इट। पर वहाँ आदि शेषन ने जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया और किसी और को मंत्री बना के तख्त भी बदल दिया। ओ भाई। तो अब नए मंत्री को भी चाहिए पैसे। अबे साले भिखारी। बिल्डिंग ऑलमोस्ट बनने वाली और सब प्रोजेक्ट इलीगल बोल के तोड़ रहे हो, ऐसा कैसा चलेगा। मैं केस करूंगा और हाई कोर्ट में अपील करूंगा। तो करना। पर सिंस मंत्रियों ने रिश्वत मांगी थी और इन्होंने दी भी तो थी, तो ये केस हार गए और ये मंत्री रिश्वत स्कैम बाहर भी नहीं आया। ओके वैसे भी कौन सा आता है। Why would you say something so controversial yet so brave? तो थलाइवा हैशटैग सड़क पे आ गए और ये आदि शेषन इन्हें मॉक करने के लिए 1 रुपए का सिक्का भीख में देता है और बोलता है थलाइवा पाजी तुसी ग्रेट हो, तौफीक कबूल करो। ओके बाय। तो थलाइवा इज लाइक रास्कला आई मीन मामा बहुत हुआ सीधा रास्ता, ये सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो क्या उंगली टेढ़ी करोगी थलाइवा। टेढ़ी उंगली तो वो करता है जिसके पास चम्मच नहीं होती। हाँ वो तो हमारे पास भी नहीं है, पूरा घर बेचकर रास्ते पे जो बैठे हैं। मामा अब मैं डब्बा ही पलट दूंगा। माइंड इट। तो थलाइवा स्टेप 1। हेलो सर, घर पे CBI की रेड पड़ने वाली है, सारा ब्लैक मनी का प्रूफ एक बैग में डाल के अपने फार्म हाउस भिजवा दो। ओके। थलाइवा स्टेप 2। फार्म हाउस के गुंडे जो साले सोते हुए कोयता सर के नीचे रख के सोते हैं उनको मार के कचुमर बना के प्रूफ पे कब्जा मार लो। थलाइवा स्टेप 3। आदि शेषन के 200 करोड़ के ब्लैक मनी का आधा हिस्सा मांग के ब्लैकमेल करो, वरना इनकम टैक्स वालों को ऑटो भर के प्रूफ दे दो। चीटिंग 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 करता है तू। थलाइवा स्टेप 4। श्रिया को पटाने के लिए सुसाइड की धमकी दे के उसे मेंटली हरास करो ताकि वो मान जाए। ओके स्टेप 4 में ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिखता है तू योगी। थलाइवा स्टेप 5। आदि शेषन के 200 करोड़ में से 100 करोड़ लेके उसके धोखे को डॉज करके उसके भेजे हुए गुंडों को पटक पटक के मारो, क्योंकि चाहे 100 हो या 200 नो वन कैन हार्म थलाइवा। थलाइवा की जय हो। फिनिश। एंड वेल थलाइवा इज रिच अगेन एंगेज्ड अगेन। पावर तो सर के पास थी ही, पर थलाइवा का इससे भी मन नहीं भरा एंड ही इज लाइक मामा इस देश में 20 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, तो सोचो सारा ब्लैक मनी वापस लाके हम देश की कितनी सेवा कर सकते हैं। अरे वाह। थलाइवा की जय हो। तो अगेन थलाइवा स्टेप 1। जिन गुंडों को मारा उनका मेडिकल बिल भर के उनका दिल जीत के उनको वापस गुंडागर्दी वाली जॉब दे दो। आप जाओ सब, मैं बेचती इसको। थलाइवा स्टेप 2। सभी नेता अभिनेता उद्योगपति के एम्प्लॉयज को बुला के उनसे उनकी ब्लैक मनी की डिटेल्स ले लो, जो एग्री किया गुड, जो नहीं उनको ऑफिस रूम में बैठा के समझाओ। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। अच्छा समझ गए, अब सारी डिटेल्स बताओ। थलाइवा स्टेप 3। सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर उस जगह पे रेड मार के सारे एसेट्स डॉक्यूमेंट्स और पैसा जब्त कर लो। थलाइवा स्टेप 4 ब्लैकमेल। आधे पैसे मेरे आधे तेरे, वरना सब इनकम टैक्स के। कौन हो तुम? तेरा बाप। थलाइवा स्टेप 5। इन पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करके लोगों से वापस ये पैसा शिवाजी फाउंडेशन में जमा करवा के ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लो। थलाइवा स्टेप 6। टाइम टू बी स्नेच और सबके इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को भेज के अजय देवगन से रेड करवा दो। क्यों हिला डाला ना। चीटिंग 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 करता है तू।
सलाइवा स्टेप 7, मंत्री के पेट में कवरना चक्कू घोप के सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दो। खून देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती ना। चीयर्स भाई साहब। अपने थलाइवा ने वो कर दिया जो हमारे नेता नहीं कर पाए, CGI डेवलपमेंट और वेल शादी भी। See, that's cold though. That's a cold one, okay. और वहाँ नेता, अभिनेता, उद्योगपति और आदि शेषन इज लाइक इस थलाइवा का कुछ करना पड़ेगा। उड़ा दो उसको। अरे भाई पागल हो गया तुम। ओफ, कुछ करो उसका। तो शादी के बाद मंदे ट्रिप पे CBI अपनी श्रिया को उठा के ले जाती है और बोलती है तेरा पति कुछ गड़बड़ कर रहा है, संभाल जरा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो ये थलाइवा से पूछती है क्या कुछ कर रहे हो जी। कुछ नहीं रे, तू घर के काम में बिजी थी तो तुझे बताया नहीं। ये देख अब तक मूवी में ये हो गया। बट यू डोंट वरी, आई एम थलाइवा, नो वन कैन टच मी, कोई कुछ नहीं कर सकता। कि तभी इस पे गुंडे हमला कर देते हैं एंड ये वहाँ से उड़ के भाग जाते हैं बिकॉज थलाइवा का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता एक्सेप्ट हिज वेरी ओन वाइफ हु इज अ स्निच, जो CBI को इनके लैपटॉप के बारे में बता के रेड करवा के अरेस्ट करवा देती है। अब क्यों रो रहे हो दीदी, आप तो Takeshi 69 की सगी बहन निकली। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। और अपने थलाइवा जेल में जहाँ एक पुलिस वाला इन्हें अपने नोकिया N72 से 4K रिकॉर्डिंग भेजता है जिसमें आदि शेषन इज लाइक ओए यार एक बंदा नहीं मरता तुमसे, नाम नाम की पुलिस हो तुम, एक काम करो अभी पुलिस कस्टडी में पेलो फिर रास्ते में गाड़ी रोक के चाय पीने लग जाना, बाकी का काम मेरे गुंडे कर देंगे, ओके बाय। तो थलाइवा अपने कॉलेज के डीन को बोलता है यन्ना रास्केला लिसन अप डीन, एक डेड बॉडी का जुगाड़ करो जो मेरे जैसी दिखती हो, जिंदा हो तो मार देना और मेरी बीवी तुम मिल बताता हूँ तुझे Takeshi 69 की सगी बहन। तो अगेन थलाइवा स्टेप 1 पुलिस के पास जाके कुछ भी कन्वेंस नहीं करना। थलाइवा स्टेप 2 आदि शेषन से इतना पिटो इतना पिटो इतना पिटो फिर जब कमरे में कोई ना हो तो बिजली वाली वायर से चिपक के मर जाओ। अरे वो चिपक गया देखो चिपक गया। थलाइवा स्टेप 3 पुलिस जब बीच रास्ते में चाय पीने जाए तभी गुंडों के हमले से पहले फेक लाश रियल लाश से रिप्लेस कर दो और नकली लाश को कबूम। थलाइवा स्टेप 4 CPR का एडवांस वर्जन यूज करो एंड इवन दो इनको मरे हुए 2 घंटे हो गए बट थलाइवा कम्स बैक टू लाइफ बिकॉज रास्कला देयर इज नथिंग दैट रजनी कांट डू अथू माइंड इट थलाइवा की जय हो। बस फिर अपने थलाइवा का अल्टीमेट प्लान ये है कि सबको लगना चाहिए थलाइवा इज डेड बट उनका फ्रेंड फ्रॉम अमेरिका AB सीनियर आ गया है शिवाजी का बिजनेस संभालने। कि तभी एंट्री होती है AB सीनियर की। ओह थलाइवा ने बाल शेव कर लिए ताकि कोई इनका बाल भी बाका ना कर पाए। पर आदि शेषन को छोड़ के किसी को भी इन पे नहीं है शक। What the fuck? ये आदि शेषन ही है जो सुपरमैन और क्लार्क कैंट को पहचान सकता है, रब ने बना दी जोड़ी में दोनों SRK को पहचान सकता है। फाइनली समन्वय डाइज। आप सचमुच अंधे हैं? और वेल यन्ना रास्कला आई एम बैक। थलाइवा ने जो शुरू किया वो मैं खत्म करूंगा। इस देश में गरीबी जितनी दिखती है उससे ज्यादा ही है। आई एम थलाइवा 2.0। What the fuck is going on here? Hey, आदि बेशरम तू मुझे कोटे विच मिल। रूफ टॉप पे थलाइवा 2.0 इस डंडे पे तेल लगा के तेरी माँ का। और आदि बेशरम इतना बेवकूफ है कि इसने टाइल्स के नीचे बिना रबर बैंड लगाए नोट डाले हुए थे तो वो उड़ना शुरू और वहाँ के सारे स्टूडेंट्स आर लाइक आई एम रिच। और ये डंडे से आदि बेशरम को मार मार के नीचे गिरा देता है और सब पैसे जमा करने में इतने बिजी है कि इसको स्टैम्प करके मार देते। बस फिर इंडिया बिकम सुपर पावर इन 2020। काश अरे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है, ये सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। He's out of line, but he's right. इंस्पायर होना अलग है, कॉपी करना गलत है, पर पब्लिक को पढ़ता नहीं फर्क है। इंस्पायर होना अलग है, कॉपी करना गलत है, पर पब्लिक को पढ़ता नहीं फर्क है। साउथ से कॉपी कर रहा है, पता नहीं चल पाएगा। इसी कॉपी को मूवी करके अवार्ड ये ले जाएगा। मुझे लगा था क्या बनाया, खुद से ही सोच के इसने, नहीं पता था मुझको ये बनाया है कॉपी करके। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके।